हम भजवा देंगे पवन खेड़ा के यहाँ, हम भजवा देंगे मारे माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी आप जलेबी पवन खेड़ा के यहाँ और कांग्रेस के यहाँ पहुँचवाइए। कांग्रेस आगे बढ़ रही थी तब जलेबियाँ बांट रहे थे, लड्डू फूट रहे थे, ढोल बजा रहे थे, जब पीछे होने लग गए, पीछे हाट हो रही है, तब बोले ये ईवीएम का काम है, ईवीएम के और दोष लगाने लगे। थैंक यू, चलिए जलेबी खाते हैं। इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है, मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा। मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है, मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। अब इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है, पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए, जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए, और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं, इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हो, मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। मगर उनको नरेंद्र मोदी जी ने चक्रव्यूह में फंसा रखा है। जैसे यहां पे महाभारत में कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को फंसाया गया था, वैसे ही इन्हीं को, मथुराम जी को चक्रव्यूह में फंसाया गया है। कैसे फंसाया, सबसे पहले नोटबंदी, उसके बाद
गलत जीएसटी, उसके बाद अरबपतियों को, दो तीन अरबपतियों को बैंक का सारा पैसा पकड़ा दिया। अगर आप इनसे जाके पूछेंगे कि भैया बैंक से आप पैसा मांग सकते हो, लोन ले सकते हो, और मशहूर आदमी है, अगर आप इनसे पूछोगे ये कहेंगे नहीं भैया बैंक हमें कर्जा नहीं देगा, बैंक तो हिंदुस्तान में आज अदानी और अंबानी को ही पैसा दे सकता है। नहीं, हमारी जलेबी हरियाणा की बहुत ही फेमस है, मेरे गोहाना की जलेबी बड़ी फेमस है, परंतु जो व्यक्ति ने प्रेजेंट किया है कि उसकी फैक्ट्री लगेगी, उसका ये होगा, जलेबी के ऊपर बड़ी राजनीति की है। जलेबी हमारे हरियाणा में कई प्रकार की होती है, एक बारीक जलेबी भी होती है, एक मीडियम जलेबी भी होती है, एक ये गोहाना की प्रसिद्ध जलेबी है, ये भी ऐतिहासिक जलेबी है, परंतु ये सब हमारी जो हरियाणा का कल्चर है, हरियाणा की हमारी संस्कृति है, हमारे हरियाणा का जो खान पान है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है, कहीं की बर्फी फेमस है, कहीं की अमृती फेमस है, कहीं का घेवर फेमस है, कहीं का हमारा जो घेवर के साथ साथ फिरनी है वो फेमस है, परंतु उनको तो ये मालूम ही नहीं है कि ये चीज़ें भी फेमस है। वो तो किसी ने उनकी गाड़ी में एक डब्बा रख दिया और डब्बा रखा तो उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी जलेबी यहाँ बनती है, तो उसको लेकर के वो उतावले हुए हैं थोड़े, उनको मालूम नहीं था। जब कल शुरू हुई थी तो पवन खेड़ा ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ जलेबियां भिजवाई जाएगी। नहीं, क्यों नहीं भिजवाई, उन्होंने भिजवानी चाहिए थी। नहीं, मैं हम भिजवा देंगे पवन खेड़ा के यहाँ, हम भिजवा देंगे। हमारे माननीय अध्यक्ष जी आप जलेबियां पवन खेड़ा के यहाँ और कांग्रेस के यहाँ पहुँचवाइए, जलेबियां जानी चाहिए वहाँ पे। एनडीए के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता, सभी लोगों ने मन से काम किया, और जो कांग्रेस का अहंकार था, कांग्रेस का अहंकार को जो फुगा है उसका फोड़ दिया। वो जैसे कांग्रेस आगे बढ़ रही थी तब जलेबियां बांट रहे थे, लड्डू फूट रहे थे, ढोल बजा रहे थे, जब पीछे होने लग गए, पीछे हाट हो रही है, तब बोले ये ईवीएम का काम है, ईवीएम के और दोष लगाने लगे। ये तो बहुत दुटप्पी दोगली रणनीति है और इसका निषेध भी करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर हरियाणा के जनता ने, जो किसान, जवान, पहलवान, सभी लोगों ने मिलकर, पूरी जनता ने मिलकर सभी लोगों के नैरेटिव फेल कर दिए और आदरणीय मोदी जी के काम को पसंद कर दिया।